नमस्कार आदाब, मैं महावीर आप सभी का स्वागत करता हूँ बॉलीवुड कैलेंडर डॉट कॉम के नए सेगमेंट में जिसका नाम है जीवन यात्रा। कुछ ऐसा ही है फिल्म इंडस्ट्री का एक चेहरा जिसकी कहानी टीवी टीआरपी के लिए नहीं है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मुश्किल भरे दौर में निराश हो गए हैं। ये कहानी है एक जबरदस्त कलाकार, डिजिटल दुनिया में कालीन भैया के नाम से पहचाने जाने वाले पंकज त्रिपाठी की। पंकज त्रिपाठी, जिनका जन्म बिहार के गोपालगंज में बेलसंद के एक छोटे से गांव में हुआ था। पंकज त्रिपाठी के पिता छोटे से किसान और धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। 42 साल के पंकज त्रिपाठी में एक्टिंग के प्रति रुझान बचपन से ही था। वो दोस्तों के साथ खेल खेल में अभिनय करते थे। वह अपने गांव में होने वाले छठ महोत्सव के कार्यक्रम में लड़की की भूमिका निभाया करते थे। एक्टिंग का दायरा पंकज त्रिपाठी के लिए केवल गांव तक ही सीमित था, क्योंकि पंकज त्रिपाठी 10वीं क्लास तक फिल्मों से बिल्कुल परिचित नहीं थे। उनके घर में टीवी नहीं था और उनके गांव का रंगमंच उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर था। 10वीं के प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया था। जब वह पटना में थे तब वह कला की ओर काफी आकर्षित हुए, जिसके चलते उन्होंने कई नाटक कार्यक्रमों और सिनेमा घरों का दौरा करना शुरू किया, जिसके कारण वह धीरे धीरे अभिनय के प्रति मोहित हो गए। वह राह चलते साइकिल वालों, ऑटो वालों और छोटे मोटे कलाकारों से मित्रता कर लेते थे। उनसे अपने अभिनय के बारे में राय मांगते थे। साल 1995 में उन्हें पहली बार भीष्म साहनी की कहानी पर आधारित नाटक लीला नंदलाल में देखा गया, जिसे विजय कुमार द्वारा निर्देशित किया गया था, जहां नाटक में उन्हें एक स्थानीय चोर की छोटी सी भूमिका दी गई थी, जिसे श्रोताओं और मीडिया द्वारा काफी सराहा गया था। इसके बाद पंकज त्रिपाठी के कदम रुके नहीं, वो लगातार संघर्ष करते रहे। पंकज जी को कई फिल्मों से रिजेक्ट किया गया, लेकिन वो लगातार ट्राई करते रहे, रुके नहीं। धीरे धीरे उन्हें बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इस किरदारों को पंकज ने इस कदर निभाया कि किरदारों में जान डाल दी, जिसके बाद गुलाल नाटक की शूटिंग के दौरान उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा, अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया। फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर में सुल्तान की भूमिका में उन्हें दर्शकों व आलोचकों की काफी सराहना मिली। पंकज त्रिपाठी ने फुकरे, मांझी, द माउंटेन मैन और स्मशान जैसी फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी से आलोचकों और दर्शकों से काफी सराहना प्राप्त की। बिहार के छोटे से गांव से निकले पंकज त्रिपाठी को आज हर इंसान जानता है। आज वो अपने एक्टिंग के दम पर फिल्में हिट करवा लेते हैं। यही तो है उनकी ये जर्नी जो प्रेरणादायक है। पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में मुंबई के मड आइलैंड में एक घर खरीदा। नए घर को लेकर इमोशनल पंकज त्रिपाठी काफी इमोशनल हो गए। पंकज जी ने कहा, नया घर लेने के बाद मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने कहा, आज मेरी पत्नी मृदुला और मैं अपने सपनों के घर में हैं, लेकिन मैं पटना में अपनी टीन की छत वाले कमरे को भूल नहीं पाया हूँ। एक रात बारिश और हवा इतनी तेज थी कि टीन की एक चादर उड़ गई और मैं नंगे आसमान की तरफ देख रहा था। बिना छत के घर में रह रहे पंकज त्रिपाठी आज बॉलीवुड के दमदार कलाकारों में से एक है। पंकज त्रिपाठी की एक बात यह खास है कि पंकज जी को चाहने वाली ऑडियंस अलग है, जो उनके हुनर की दीवानी है। हम ऐसी कामना करते हैं पंकज त्रिपाठी जी का ये मुकाम लगातार बना रहे और आप हमेशा हमारे साथ यूं ही बने रहें। फिर मिलते हैं अगले किसी और कलाकार के साथ। तब तक देखते रहिए बॉलीवुड कैलेंडर.com मेरे साथ। नमस्कार।